इन्होंने मुझे सुपर स्टार भी कह दिया और 25-30 स्टार भी लगा दिए हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. इस वक्त जो है मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह से हम मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि आप मेरे सवाल का भी जवाब दें कि भाई कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो कि आप जो है आपको हो याद और आप उसको इंजॉय कर रहे हो, अभी तक इंजॉय कर रहे हो, बोल रहे हो अरे वाह क्या जबरदस्ती ये याद थी ना, है सो फिर मजा आता है ना, फिर आप बताएंगे तो मैं भी इंजॉय करूंगी उसको. इस वक्त टाइम हो चुका है 4:26, अब से थोड़ी सी देर में हम प्ले करेंगे जुबिन नौटियाल, आज उनका बर्थडे भी है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जुबिन आपको. और इसके साथ साथ मेरी आशिकी हम सॉन्ग प्ले करेंगे, मेरी आशिकी पसंद आए, आशिकों में मेरी आशिकी पसंद आए, आ जाती है क्या वैसे आशिकी पसंद अगर नहीं भी आती तो क्या हुआ. तो 4:26 और अब जो है हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं ये वाला ट्रैक जो मैंने अभी बताया है ना, है अच्छा वैसे, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, फिर वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में योगा के बेनिफिट्स लेके, कि योगा करेंगे तो फिर कितना अच्छा रहेगा ना. हाँ अभी बताती हूँ थोड़ी सी देर में. दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 4:43 हो चुके हैं यानी कि 4:43 ऑन द क्लॉक. और साथ साथ मैंने आपसे कहा था जब मैं गई थी तो मैंने ये कहा था कि योगा के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी. अच्छा योगा करने से होता क्या है, बड़ी अच्छी चीज़ है, स्ट्रेच अपने आपको करना होता है, आपको पता है योगा कैसे किया जाता है, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं. ये करता क्या है योगा, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये आपके फेस और आपके स्किन के टिश्यूज तक जो है खुराक पहुंचाता है, ठीक है जी. सो आपकी ब्लड को साफ करके जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा करता है, अच्छी और पुरसकून नींद का सबब भी बनता है, यानी अगर आपको अच्छी और पुरसकून नींद चाहिए तो आपको योगा करना होगा, ठीक है. सो आपकी जो बोन्स हैं उसको स्ट्रांग करता है, इसके अलावा आपको थकन से निजात दिलाता है, थकन को दूर कर देता है और आपको एक्टिव कर देता है, इसके साथ साथ आपकी चाल ढाल और आपको खूबसूरत बना देता है और आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाती हैं अगर आप योगा करते हैं. सो ये योगा के हवाले से मैंने कुछ चीजें बता दी थी, एक अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए योगा को, और अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक भी करना चाहिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी करना चाहिए, लेकिन योगा बहुत अच्छी चीज है. और जनाब मेरे पास मैसेज आ गया है कि डॉक्टर साहबा बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें. अच्छा ये कल भी मेरे पास मैसेज आया था तो फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी, तो उन्होंने कहा कि भाई मजाक किया था आप तो गुस्से में आ गई, तो मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूं ना तो इसलिए आपसे जरा सीरियस मैंने बात कर ली. सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके तजम्मुल बट साहब आपके मैसेज के लिए. और सवाल मैंने आपसे ये किया था कि आज भाई आज का सवाल जो है वो ये है कि लास्ट वीक की कोई मजेदार याद, कोई ऐसी याद जो आपको याद हो और आप जिसमें मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, कोई ऐसी याद है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए. शेयर आप कहाँ कर सकते हैं, 6662107 पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और जनाब मैसेज मेरे पास आ चुका है, मैसेज एक हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. सामी जी क्या हाल है आपके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका ड्राइव थ्रू प्रोग्राम में आपको जो है वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका. और इसके साथ साथ आपने कहा कि आप जिस अंदाज से प्रोग्राम करती हैं इस अंदाज में हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है, हम आपके हंसते मुस्कुराते हुए अंदाज को मिस करते हैं. मैं मिस करते हैं कहाँ से मिस करते हैं, मैं तो कर रही हूँ प्रोग्राम और अल्लाह पाक आपको सलामती दे. चलें जी बहुत शुक्रिया बहुत सारी दुआओं के लिए. इसके साथ साथ आपने कहा आपका कहना और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपसे लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए इजाजत और माही वे नेहा कक्कड़ और अमित गुप्ता की आवाज में आप इंजॉय करेंगे. मैं आती हूँ वापस टेक्नोलॉजी न्यूज के साथ पर ड्राइव थ्रू मेरे साथ. और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:03, मैंने ये कहा था कि जब मैं जाऊंगी तो फिर वापस आऊंगी तो टेक्नोलॉजी न्यूज लेकर आऊंगी आपके लिए. सो टेक में क्या है जनाब आपको बता देते हैं, आपको जैसे पता है कि जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो सोशल सर्विसेज खदमात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिलखसूस जबकि आपको पता हो कि कोरोना वायरस हर जगह मतलब फैला हुआ है और मतलब अब तो खैर उस पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जब उसका फैलाव आम हुआ तो इस पर भी सोचा गया कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए. सब हुआ क्या है कि जब आप उम्र या हज की सआदत हासिल करने सऊदी अरेबिया जाएंगे तो मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में जो है जायरीन के लिए यानी विजिटर्स के लिए उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. किस तरह किया जाएगा, वहां पर जो है रोबोट्स जो है अब आपको आबे जमजम जो है वो तकसीम करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. सो रोबोट जो है ये रोबोट्स जो है वो ऑटोमेटिक होंगे कंट्रोल सिस्टम के तहत काम, मतलब इनका कंट्रोल सिस्टम जो है वो 6 लेयर्स पर उस पर ये काम करेंगे. इसके साथ साथ चार्ज रहेंगे, बिल्कुल बैटरी से चार्ज होंगे ये, और किसी भी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ये 5 से 8 घंटे काम कर सकते हैं. सो जायरीन और नमाजियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है वेरीफाइड है ये जो रोबोट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया. तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी आप लोगों के लिए टैक्स से. अब जो है टाइम हो चुका है 5:04, आपके मैसेजेस हैं, सवाल हो जाता है. सो सवाल मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीक की कोई मजेदार याद कोई ऐसी हो जो आपको याद हो और जिसको सोच के आप मुस्कुरा रहे हो और हंसते हो, कोई ऐसी बात किसी की या अपनी हो. होता है ना अक्सर हम भी तो कुछ बेवकूफियां कर जाते हैं ना, खुद से भी तो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, अरे मैंने ये बात कह दी थी, अरे मैंने ऐसे कर दिया था, और खुद एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसा भी होता है. मैंने ये नहीं पूछा कि आप किसके साथ एंजॉय कर रहे थे, कोई ऐसी चीज मैंने पूछी है जिसको आप अभी तक एंजॉय कर रहे हो. और साथ साथ मुझे जो है जवाब आया है कि मैंने लास्ट वीक पूछा, सालों की बात नहीं पूछी, लास्ट वीक का मतलब पिछले हफ्ते की बात, ठीक है. अब बताओ, ठीक है, अब जो है मैसेजेस यहाँ पर
लो जी इंजीनियर साहबा भी आ गई. मेरे प्रोग्राम को सुनते जाओगे ना, मैंने कहा ना मैं हर फन मौला हूँ, मैं हर चीज बताऊंगी आप लोगों, कुछ नहीं छोड़ूंगी. ठीक है, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है इस वक्त खादिम हुसैन साहब का, कहते ये है क्या कहते हैं, कहते ये है कि भाई बहुत कुछ कहते हैं खादिम साहब, और खादिम साहब की बातें भी हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे. इनका फिलहाल कहना ये है कि इस्लाम कहा है आपने, और प्यारी सी आवाज सुनकर जो है, आपकी आवाज सुनकर जो है होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है. अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मेरा तो ख्याल था कि आज आप नाहिद अख्तर का सॉन्ग लगाएंगे, था यकीन कि आएंगी वो राता कभी. हाँ अच्छा सॉन्ग है, किसी दिन मैं जरूर प्ले करूंगी आपके लिए. खैर कोई बात नहीं, प्रोग्राम की तारीफ आपने की उसके लिए बहुत शुक्रिया. तो थैंक यू सो मच. आपका जो जवाब है, जो सवाल का जवाब आपने दिया, थोड़ी सी देर में शामिल करूंगी. इस वक्त 5:05 हो चुके हैं, और क्या करना है, और प्यार करना है, मैंने नहीं करना है, नेहा कक्कड़ और गुरु रंधावा ने करना है जो आपको सुनाना है मुझे. ठीक है, सो सुनते रहिए आप ड्राइव थ्रू मेरे साथ, सामे तैयब के साथ. बिल्कुल कहीं जाना नहीं है, वापस आती हूँ तो ट्रैफिक अपडेट दूंगी आपको. कुछ ना कुछ तो देना ही होगा ना, आपकी मैसेजेस लेने हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही होगा. ठीक है जी, इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को. बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, स्लो है लेकिन अच्छा लगता है सुनने में. दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और जवाद बशीर की आवाज में आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम दोबारा से, ये वाला ट्रैक जो कि आपने एंजॉय किया होगा. इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 5:26 हो चुके हैं. ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये मैंने कुछ भी नहीं किया. पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी की जानिब से जो है अनाउंस किया गया ट्रैफिक अपडेट, वो मैं आपको बता देती हूं कि भाई पार्शली ओपन फरीज अल अली इंटरसेक्शन जो कि डीरिंग रोड पर है, उसको ओपन कर दिया गया है टू ट्रैफिक इन ऑल डायरेक्शन फॉलोइंग अपग्रेड एंड एक्सपेंशन वर्क ऑन June 18 फ्राइडे को. सो ये एक छोटी ट्रैफिक अपडेट थी आप लोगों के लिए. आपकी गाड़ी कहां पर है इस वक्त और आप लोग कहां पर हैं ये भी मुझे आप बता सकते हैं 6622107 पे. इसके साथ साथ मैंने सवाल भी पूछा था, सवाल मेरा ये था कि लास्ट वीक की कोई मजेदार सी याद, मजेदार सी कहिए मैंने, सुनिए जरा, क्योंकि ड्राइव थ्रू है ना, देखिए भाई हंसने हंसाने की बातें होनी चाहिए, थोड़ी सी मुस्कुराने की बातें होनी चाहिए. सो अगर ऐसी कोई मतलब सेट सी कोई बात है जिसको आप याद करें तो वो ना भेजें, मतलब हंसने हंसाने वाली कोई मजे की चीज हो जिसको सुनकर मतलब जिसको याद करके आप इंजॉय खुद भी कर रहे हो, सो वो आप कॉल के जरिए भी बता सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 4487429 9. और अब चलते हैं भाई और मैसेज ले लेते हैं. यहाँ पर मैसेज है, सलाम गुड इवनिंग. वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट एंट्री. काफी दिनों के बाद हिमेश का न्यू सॉन्ग सुनकर बहुत मजा आया. चले जी बहुत शुक्रिया आपका, और इसके लिए आपको शो में वेलकम करते हैं. बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए भी कि आपने मुझे वेलकम कहा. काफी दिनों के बाद आज फुर्सत से इवनिंग को एंजॉय कर रहा हूँ. चले अच्छी बात है, और रेडियो ऑफ था आपका और आपने जवाब जो है सुना होगा, जाहिर सी बातें क्वेश्चन सुना होगा, और अब आप जवाब भी देना चाह रहे हैं. आपका कहना क्या है कि भाई पिछले हफ्ते की बहुत जबरदस्त यादें हैं, एक ऐसी मुलाकात जिसको हमेशा याद किया जाए. मैंगो फेस्टिवल पर जो है कुछ दोस्तों के साथ जो है दो नए चेहरे सामने आए और उनके साथ मिलकर आपने बहुत इंजॉय किया. किसी मैंगो फेस्टिवल में शायद आप गए थे अनवर, और आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा, आज हम पुराने अंदाज में शो को एंजॉय कर रहे हैं. चले जी एक्सीलेंट शो, फिर एक्सीलेंट दे दिया आपने, फिर एक्सीलेंट दे दिया. लिसनर्स ही दे सकते हैं एक्सीलेंट. तो जब हर शख्स चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज ने तो फिर तपना ही है. हाँ बात सही है, दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों में. राइट, और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका अनवर ये इतना खूबसूरत सा मैसेज करने के लिए. अगर आप भी चाहते हैं हमें मैसेज करना तो जरूर कीजिए 6622107 पे. और अब हंसी बन गए हो. लिसनर्स वेलकम बैक. मतवाली आप सुन रहे थे एक बारी फिर हज़ा. मैं ये सोच रही थी परसों ऐसा क्या किया था आपने कि मैं हंसी थी. मैं अपने बारे में सोच रही थी. सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:45 और आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर. सो सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई लास्ट वीक की कोई मजेदार सी याद जिसको सोच के आप हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो तो वो याद जो है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं 6622107 पे. और इसके अलावा आप कॉल करके भी बता सकते हैं कोई ऐसी याद हो जिसको आप कॉल के जरिए बताना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए. मजे की हो, एंजॉय किया आपने जैसे अभी तक एंजॉय कर रहे हैं. सो 4487429 4487429 9 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. PSL से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं जनाब. और कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, कल बता देती हूँ कि क्या हुआ. कल जो है मैच था जनाब, और कल जो मैच था वो किसने जीता आपको पता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहला मैच जो है, दूसरा जो है वो मुल्तान सुल्तान ने. तो ये एक छोटी सी बात थी तो आपको पता ही होगी. अब आपने क्या बता दिया, ऐसा क्या खास बता दिया आपने, अभी बताती हूँ. आज जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कराची किंग्स का है. तो हम तो भाई कराची किंग्स के साथ हैं क्योंकि हम कराची से हैं, तो कराची किंग्स के साथ हैं. तो आप बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आज की कौन सी फेवरेट टीम है आपकी, आप बता सकते हैं. थोड़ी सी देर में अब जो है PSL का ये मैच जो है स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको लाइव अपडेट भी बता सकूंगी. अच्छा जी, यहाँ जो है सभा है, सभा कहने के हाल है मोहतरमा साहब,
सामिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, और आपने अपनी खैरियत भी बता दी, ये भी अच्छी बात है। अमर जो है नाराज हो कि डिलीट कर करके मैसेज जा चुकी हैं, और मैसेज नहीं होते इनके, मैसेजेस होते हैं। सो कहना इनका ये कि जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर है, नहीं मालूम के ख्वाबा है कि ताबीरा है, ख्वाब भी है और ताबीर भी है। सो मेरी बहुत सारी तस्वीरें इन्होंने बना के भेज दी है, थैंक यू सो मच अंबर, इतना अच्छा, इतनी सारी पिक्चर्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, इस एल्बम को बनाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जरा आप पास आओ तो गले लगाना है, मेरे पास आओ तो गले लगाना है अंबर, इसीलिए मैं भागती हूँ आपसे, आपको पता है कि कहीं आप ये काम करना लें। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या ख्वाब क्या खूब कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मेरे साथ यही वाला मामला है, आप कहती हैं मगर मिलती नहीं है। चले अंबर, मैं आपको स्टूडियो में बुलाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। डरता हूँ कहने से कि मोहब्बत है तुमसे, मेरी जिंदगी बदल देगा, तेरा इकरार भी इनकार भी, क्या बात है क्या बात है। शेर व शायरी का इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, और आप सुन रही हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर, दिल से देसी भी हैं हम, और क्या देसी हैं ना हम तो। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:47, और उसके साथ साथ मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ सॉन्ग काले जे लिबास दी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। बग्गे बिल्ले आंदा की कर दी उर्दू FM 107 दिल से देसी पर। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:02, और हम चले गए हैं किस घंटे में, तीसरे घंटे में चले गए। 4 से चली थी हमारी ड्राइव, और हमने एक घंटे का सफर किया, फिर दूसरे घंटे, और अब तीसरे घंटे में चले गए हैं। तो अब जो है जनाब, कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लास्ट वीक की कोई मजेदार सी याद जिसको आप अभी तक महसूस करके एंजॉय कर रहे हैं, और सोचने कितनी मजे की याद थी ना, कितना मजा आया था, कोई ऐसी याद हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। 6622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा आप कॉल करके भी बता सकते हैं हमें, 4484299 हमारा नंबर है। सो जनाब, अब जो है उड़ानियां की रिक्वेस्ट आई, उड़ानियां कल प्ले करते हैं, ठीक है, अभी नहीं हो सकती है, प्ले हो तो सकता है लेकिन थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है पूछा ये गया कि एक दरख्त पर 10 बंदर थे, 3 मर गए, 5 आए और 2 चले गए, अब वहां कितने बंदर होंगे, ये तो सोचना पड़ेगा कितने बंदर होंगे वहां पे इसका हिसाब किताब करती हूँ थोड़ी सी देर में, और फिर आपको बताऊंगी। एक किस्सा फ्राइडे को हुआ, मैं दोपहर में सो रहा था कि अचानक से आंख खुली तो लगा कि ड्यूटी का टाइम हो गया है, और खिड़की खोल के देखा तो बस नहीं है, शाम का टाइम था, तो सुबह नहीं थी, मतलब शाम का टाइम था, और सूरज ढलने वाला था। मॉर्निंग और इवनिंग लगता है अचानक जो, मतलब इस तरह से आपको फील हुआ कि भाई आज तो फ्राइडे है और ये छुट्टी का दिन था, तो आपने उसको एंजॉय किया। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। और पिछले हफ्ते मैंने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, बातें हो रही थी, आखिर में वो मुझसे पूछता है कि आपने कैसे याद किया, मैं थोड़ा सा खामोश हो गया और नाम पर देखा, फिर मैंने कहा आवाज नहीं आ रही आपकी फोन बंद किया, क्योंकि वो मैंने किसी और को मिला दिया था आदि हुसैन साहब, आप ऐसा कर सकते हैं, आज भी अफसोस हो रहा है क्योंकि वो दूसरे को फोन ही नहीं करता था, तो मैंने भी नंबर डिलीट कर दिया हाँ, जो लोग जवाब ना दें आपके मैसेज का या आपको कॉल का जवाब ना दें, तो उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, उनके भी मैसेज का जवाब ना दें, उनके टिट फॉर टैट, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है नहीं नहीं, आप अपना दिल बड़ा रखिए, और आप जो है आप इज्जत दे दिया कीजिए, हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं ना, जो ऐसा करते हैं उनको करने दीजिए, हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और अच्छा ये मैसेज है मुर्तुजा का मैसेज पता नहीं कहाँ चला गया, चले मुर्तुजा आप मैसेज कर सकते हैं दोबारा हमें, ये मैसेज करके डिलीट प्लीज ना किया कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, एक कॉल ले लेते हैं और सुनते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ, क्या हाल चाल है, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गुड इवनिंग, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मजे आ रहे हैं आपके, रोज रोज कॉल मिला के बातें करती हैं मुझसे, हैं बहुत मजा आ रही है। आपने मेरा मैसेज नहीं लिया, आंसर नहीं लिया, मैंने कहा मैं कॉल करूँ, कॉल करके बताऊंगा। अच्छा जल्दी से बता दी, जल्दी से बता दी, आपके पास थोड़ी थोड़ा सा टाइम है बस, बहुत थोड़ा सा। खुशी भी हो रही है, जरा खुश तो हो रही है, पहले हंस लीजिए फिर खुश हो जाइए, फिर उसके बाद मैं कॉल बंद कर दूंगी, फिर आप गुस्सा होइए। जल्दी अंबर जल्दी प्लीज, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या बताऊँ क्या बताऊँ। लास्ट वीक की कोई मजेदार सी याद जिसको सोच के, और आप लास्ट वीक की थोड़ी, मेरे लिए तो कल बहुत मजेदार याद है, जो मेरे लिए जिंदगी भर यादगार दिन रहेगा कल का मेरे लिए। अच्छा चलो, बहुत खुशी का, समझ गए, खुशी से केक भी मारे थे, और एक मैंगो फेस्टिवल का बहुत यादगार दिन था मेरे लिए। अगर आप आ जाती थी बहुत अच्छा होता मेरे लिए। हाँ मैं आ जाती, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, बाल की तैयारी की थी मैंने, मैं भी याद दिलाऊंगा, मैं भी अभी बताऊंगी अपनी याद, अब जो फ्राइडे गुजरा है उसकी याद मैं भी आपको भी थोड़ी सी देर में बताऊंगी कि क्या हुआ था और कैसे मैंने एंजॉय किया। अरे मतलब मैं हर जगह चली जाऊँ, कितनी जगह, मैं कहीं इनवाइटेड थी डिनर पे, सो मैं वहाँ गई हुई थी। ठीक है, अब थैंक यू सो मच अंबर, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया हमारे सवाल पे आगे अभी तो खुल के आपने सुना ही नहीं मेरा ख्यालात, नहीं नहीं नहीं, अब इतना नहीं खुलना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और
पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:22. वैसे थोड़ी से सेकंड्स रह गए थे कि 23 भी हो जाता, लेकिन चलें अब हो गया 23. 6:23 हो चुके हैं. और सवाल मैंने आपसे ही पूछा था कि भाई लास्ट वीक की कोई मजेदार सी याद जो कि आपको अभी तक याद हो और इंजॉय कर रहे हो. हाँ, मैं बताती हूँ. फ्राइडे को हम गए एक डिनर पर और वहां पर जो है क्या बातें हुई मैं आपको बता देती हूँ. वहां पर सिर्फ कोरोना के बारे में बात हुई और बहुत अच्छा था डिनर. सारे सब फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे, तो बातें कर रहे थे. तो बातें क्या थी, यहाँ वैक्सीनेशन के बाद कैसा लगा, फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद दर्द हुआ था या बुखार हुआ था या सेकंड के बाद हुआ था. अच्छा, फिर हुआ क्या था, फिर ये क्या हुआ था, फिर कोरोना के बाद बच्चे स्कूल कैसे गए थे, फिर यहाँ क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, अच्छा ये शादी जो हुई थी वो कैसे हुई थी, हाँ उसमें कोरोना था, नहीं ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए. पूरा वक्त, यानी कोई 1:30-2 बजे हमारी वापसी हुई है, सो पूरे वक्त कोरोना था साथ साथ. मैं सोच रही थी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ना कि जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि चल जा तो रहा है साथ साथ, लेकिन यादें छोड़े जा रहा है और सब जो है उसके मुताबिक बातें किए जा रहे हैं. और मेरा हंस हंस के बुरा हाल था. मैं तो आपको पता है कि जब बैठ जाती हूँ तो फिर मैं बातें करती रहती हूँ तो फिर यही बातें होती हैं. और फिर हंस हंस के सभी हंस रहे थे. हम लोग इंजॉय कर रहे थे इस चीज को कि भाई ये क्या है, मतलब ना ये कोरोना जो जल्द से जल्द हमारी जान छोड़ दे. तो हमने जो है इस चीज को एंजॉय किया. इस तरह की कोई याद अगर आपके साथ भी तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 6622107 पे. इसके अलावा आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं 4487-4299 पे. अब से थोड़ी सी देर के बाद अजान मगरिब का टाइम है और फिर हम कुछ मैसेजेस आपके प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं. और यहाँ पर अली है. अली कहने गुड इवनिंग. थैंक यू अली, वेरी गुड इवनिंग. और साथ साथ कहीं घूम रहे हैं और घूमने की जो है वीडियो बना के भेज दी. वो केयर में जो है कह रहे हैं सैंड स्टॉर्म आ चुका है. चलें जी, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा. और इसके साथ मैंने कहा था कि डस्ट होगा मगर मुझे नहीं पता था कि स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा. ऐसा कहाँ था. अली बहुत देर बाद याद आया आपको. कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. अच्छा, एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है वकास ने और कहते हैं क्या है भाई प्रोग्राम अच्छा चल रहा है. थैंक यू सो मच वकास, बहुत शुक्रिया. और इसके साथ आपने सॉन्ग बताया नहीं है, लेकिन कौन सा सॉन्ग सुनना है आपने. ये जो है मैसेज है मेरे पास, आपका मैसेज पढ़ने का अंदाज बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. और उछल उछल के डांस शुरू कर देते हैं. क्यों मैसेज पढ़ने से, मुझे नहीं पता था कि मैसेज पढ़ने से भी ऐसा होता है. अच्छा जी, यहाँ जो है ताहिर साहब है. ताहिर साहब थैंक यू सो मच, आपने सलाम कहा. वालेकुम सलाम. और बहुत ज्यादा तारीफ की आपने प्रोग्राम की है, आपने की भी टब भी मुझे कहा है और बहुत कुछ आपने, बहुत कुछ लंबी लंबी तारीफें लिखी है मेरे बारे में. तो मैं सोच रही हूँ उसको कैसे पढ़ूं. तो आगे जो है गोल्डन जुबली सॉन्ग मैंने कोई प्ले कर दिया था, डायमंड जुबली सॉन्ग भी मैंने प्ले किया था. ये आफ्ताब का कहना है. आफ्ताब क्यों हंस रहे हो, बता भी दिया करो. इतने मुझे आए हुए आज हंसने वाले कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप लोग भी हंसेंगे. मगर किस बात पे आप लोग हंस रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आवाज में की लहरों में सैलाब तो काहे हर शख्स के बदन में समंदर. ये क्या है, इतनी मुश्किल उर्दू वाला भेज दिया. ख्यामी साहब का कोई शेर है और ये बहुत मुश्किल है जो मुझसे रीड नहीं किया जा रहा है इस वक्त. अच्छा जी, हम उकेर में हैं. ठीक है जी, उकेर में हैं. आप गाड़ी में बैठ के आपके शो को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप उकेर में बैठ के जो है आप एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा जी, अब्दुल रहमान साहब हैं और बहुत तारीफ की आपने भी शो की. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप पसंद कर रहे हैं. इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है. सामी जी आप कैसी हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप और आपका प्रोग्राम सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है. और सवाल का जवाब है, मेरी बेगम का फोन छोटी बेटी ने तोड़ दिया और यूं ये हफ्ता आजाद होकर गुजारा. फिर यूं हुआ कि हर रोज इतवार फोन, फिर क्या हुआ कि बरोज इतवार फोन ठीक हो गया और फिर से कैद. हम ऐसा समझते थे कि बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है. रूबरू मंजर ना हो तो ये आईने किस काम के, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया क्या करेगी, 12 बजा देगी. आतिफ कैदी भी इन्होंने लिखा है. अच्छा, आप ऐसे समझते हैं कि वाइफ का फोन खराब हो जाए तो दुआ मांगते होंगे आप कि उनका फोन खराब हो जाए. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:26 और थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी गोल्ड अपडेट लेकर. और साथ साथ, हाँ भाई, आज जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे. सुनते रहिए 107 पर ड्राइव थ्रू सामिया के साथ. अब इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:37 ऑन द क्लॉक. और जुनैद जमशेद की आवाज़ में आप खूबसूरत सी ये नात सुन रहे थे. अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है अब मैंने आपको गोल्ड प्राइसेस बतानी है, यानी गोल्ड अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं. 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 219 कथरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 200.73 कथरी रियाल. 21 कैरेट पर जो आज का गोल्ड है उसकी प्राइस है 191.74 कथरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 163.52 कथरी रियाल. सो ये गोल्ड अपडेट थी जो छोटी सी मैंने आपको दे दी है. इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो आज के दिन मनाया जाता है. 14 जून 2021 है आज. सो खून जिंदगी की अलामत है. ये वो वाहिद चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती बल्कि तोहफे के तौर पर अतिया की जा सकती है. क्या आप जानते हैं कि खून के आधे लीटर की बोतल से आप 4 जिंदगियां बचा सकते हैं. तो एक सेहतमंद इंसान जो है
वो खून का अतिया दे सकता है. खून का अतिया यानी ब्लड डोनेट करने वाले हर शख्स के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो अच्छा मतलब जब ब्लड मतलब जब आप ब्लड डोनेट करने जाएं सो उससे तकरीबन 3 घंटे पहले जो है सेहत बख्श ग़िज़ा यानी बहुत अच्छी सी ग़िज़ा जो है आपने खाना बहुत अच्छा खाना चाहिए. इसके अलावा जनाब मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेट देने से 1 दिन पहले जो है ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें. जैसे आज अगर आपने सोचा है कि कल आप जाके ब्लड डोनेट करेंगे तो आज से ही पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए. इसके अलावा ब्लड डोनेट देने से 3 घंटे पहले जो है कम अज़ कम 3 ग्लास पानी या जूस पी लेना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. तो ये चीज़ आप कर सकते हैं. कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, प्रिकॉशंस जो होती हैं. सो इसमें थोड़ा सा ये ख्याल कर लीजिएगा यानी डाइट अच्छी होनी चाहिए जब आप खून का अतिया देने जा रहे हो, ब्लड डोनेट करने जा रहे हो. तो इससे जो है काफ़ी सारी ज़िंदगी जो है लाइफ जो है वो बचाई जा सकती हैं. जिस पर जो है अच्छी चीज़ है इसको देना चाहिए. कितना क्या चीज़ें सब चीज़ें तो नहीं रख सकते ना अपने पास, ये कुछ देने की चीज़ें होती हैं तो उनको दे भी दिया करें. ठीक है जी. सो इस पर ज़रूर सोचिएगा आप. और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:39 और साथ साथ जो है मैंने सवाल पूछा था लास्ट वीक की कोई मज़ेदार याद जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की कि भाई हम तो गए थे डिनर पर तो हमने जो है पूरे वक्त कोरोना की ही बातें की हैं. तो कोरोना ने जा तो रहे जाते जाते यादें छोड़ के जा रहा. मेरे ख्याल से बहुत अरसे तक इसकी यादें जो है हमारे साथ रहेंगी, इसी तरह से जुड़ी रहेंगी और हम लोग इसी तरह याद करते रहेंगे. स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बहुत बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी रहेंगी और याद रहेंगी. अच्छा जी, यहाँ जो है पिछले हफ्ते में अंडे खरीदने महल्ले की दुकान पर गया था और वहां पर क्या हुआ था भाई, वहाँ पर जो है पहले 4-5 लोग खड़े थे. मैंने दुकानदार से कहा कि भाई अंडे देना. दुकानदार ने पूछा कि कितने. मेरे मुंह से जो है अचानक से ये निकला कि ये तो तुम्हारी हिम्मत है कि ओहो शाहिद साहब क्या भेज दिया आपने मुझे. 4:39 हो चुके हैं और अब इसके साथ साथ जो है मैं प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए मम्मी कसम पायल देव और गुरिंदर सेघल की आवाज़ में. इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को. वापस आइए जल्दी से. अच्छे 6:50 34 सेकंड और आप लोगों के लिए खुशखबरी है मेरे पास. और खुशखबरी ये है कि वीकेंड का प्लान आप कर सकते हैं, बना सकते हैं प्लान जो है. अगर आप चाह रहे हैं कि कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं तो भाई कटारा आप जा सकते हैं. कटारा में जो है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज जितनी भी हैं, जितनी भी वहां पर हैं, सो उसमें जो है 50% ऑफ है. तो अब आप सोच लीजिए कि आपने करना क्या है, बुकिंग वगैरह कराना शुरू कर दीजिए. किस तरह जाना है, क्या जाना है, वो तो आप फिर आप खुद ही पता लगा लेंगे, है ना. सो अब जो है मैं बता देती हूँ, कराची जो है इस वक्त बैटिंग के लिए तैयार है. थोड़ी सी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता हो गया मेरे पास जो शो हो रहा है उसमें. अभी सिर्फ बैटिंग ही शो हो रही है कि कराची कर रहा है. सो अच्छी बात है, गुड लक कराची को कहेंगे. और इसके साथ साथ जो है आपके मैसेजेस, सवाल मैंने ये पूछा था कि भाई लास्ट वीक की कोई मज़ेदार सी याद हो तो वो आपने ज़रूर बताइए हमें और हमारे साथ शेयर कीजिए. अच्छा जी, यहाँ जो है उसके आने की हो गई सबको खबर, रात भर मेरी गली के सब दिए जलते रहे. अच्छा जी, और मैंने जब याद किया वो आया मोहसिन, उससे ज़्यादा उससे पाबंद वफा क्या करना बाबा. और मैं जहन में था इसलिए शायद निकल गया, आप दिल में बसे थे इसलिए याद रह गए. आप दिल में बसाना चाहिए. अच्छा जी, आपने कहा कि दिल तो बच्चा है जी, और दिल तो बच्चा है जी इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है. ठीक है, कल हम सोचेंगे इसको प्ले करेंगे. अच्छा, यहाँ जो है ये सॉन्ग सुनकर बीच बीच में जाना पड़ेगा. वैसे हाँ, मुझे भी ये लगता है बीच बीच में कुछ अजीब सा लगता है सुन के, है ना. सो और जो है ये कि इसका मैसेज है कि मेरी आशिकी पर मुझे कुछ याद आया, तख्त व ताज में से एक लिया करते हैं हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं, हम जानते नहीं उल्फत को तहाइफ से मगर तोहफे देते हैं तो बस जान दिया करते हैं हम. क्या बात है भाई, ऐसे तोहफे बड़े अच्छे लगते हैं हमें. फैसल जमान साहब बहुत शुक्रिया आपका. और यहाँ जो है मैसेज और किसका है भाई, देख लेते हैं. कराची पहले बैटिंग करेगा. हाँ जी बिल्कुल, पता चल गया हमें. आफ्ताब ये बताइए कि जीतेगा कौन, ये वाली प्रेडिक्शन आपने नहीं की अभी तक आके. सो आप सुन रहे हैं इस वक्त ड्राइव थ्रू 107 FM पर सामे तैयब के साथ. और थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी जब, तो फिर करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बताऊंगी. और उसके साथ साथ जो है जनाब अब ये है कि अब हम सॉन्ग प्ले कर देते हैं आपके लिए. प्लाजो आप इंजॉय कीजिए, वापस आइए. ड्राइव थ्रू रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर. और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 7:02, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया टाइम, है ना. पढ़ा पाइम पाइम पढ़ा चले, ऐसा हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ तो अक्सर होता है. करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं. आज श्रीलंकन रुपीज है 54.41, बांग्लादेशी टका है आज 23.28, नेपाली रुपीज है 32.29, पाकिस्तानी रुपीज आज जनाब है 42.76 और इंडियन रुपीज है 20.10. सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स थे. और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि भाई FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है
और इसके अलावा इंस्टा हैंडल है हमारा FM 107 का, हमने इतनी आसानियां रखी हुई है, आपकी बस जाइए उसे सर्च कीजिए और फॉलो कर लीजिए राइट। और इसके साथ साथ आज मैंने सवाल पूछा था कि लास्ट वीक की कोई मजेदार सी याद हो आपकी, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर इज 6622107। इसके अलावा कॉल करके भी बता सकते थे आप, अब तो खैर टाइम ही नहीं रहा है, सो कॉल करने के लिए हमारा नंबर वैसे भी नोट कर लीजिए अगर कल जवाब देना होगा तो 4487-4299। अच्छा जी, आतिफ असलम बिल्कुल तैयार है एक नए एल्बम के साथ, रफ्ता रफ्ता इनकी म्यूजिक वीडियो वाली जो एल्बम है वो जल्दी से आने वाली है और उसमें आपको पता है कौन नजर आने वाली है, उनके साथ नजर आने वाली सजल अली, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और स्कर्दू में जो है इनकी इस जो एल्बम की है वो आजकल जो है तैयारियां चल रही है, शूटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि भाई ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक जान चुकी है क्योंकि पिक्चर्स जो है वो वायरल हो जाती हैं तो सब कुछ पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, और बाकी जो सेट वेट पे लोग मौजूद होते होंगे वो बता ही देते होंगे भाई ये चीज़ होने वाली है वो चीज़ होने वाली है, ये गलत बात है वैसे, देखिए किसी का सरप्राइज उसको खोलना नहीं चाहिए। और जनाब कुछ मैसेजेस बहुत सारे रह गए, हाँ जी बिल्कुल 5 रन बना लिए कराची ने अभी, देखें अभी तो शुरू हुआ है ठीक है, सो अब देखते हैं कि होता क्या है। कोई कह रहा है भाई अब मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने कहा इस्लामाबाद जीतेगा, ठीक है जी मलिक साहब का कहना है इस्लामाबाद, और अंबर कहती है कराची, हम तो कराची वाले नंबर, हम लोग कराची से हैं तो इसलिए हम लोग कराची को बोलेंगे, और देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। और किसका मैसेज है, हाँ जी वैक्सीन लगवा ली है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ कटारा के हवाले से मैंने आपको बताया था, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि एतराज़ एप्लीकेशन ज़रूरी है और 16 साल से जो कम उम्र बच्ची है उनके साथ बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 7:04, साथ साथ जो है मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आज सुशांत सिंह राजपूत को एक साल मतलब यहाँ इस दुनिया से गए हुए एक साल हो गया। आपको पता है बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्टर थे, मेरे बड़े फेवरेट थे, मुझे बड़े याद आते हैं और मैं कभी कभार उनकी वीडियो जो है वो सॉन्ग्स जो है वो सुनती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे भी उनकी जो इंस्टाग्राम पर चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोज़ या फिर कुछ भी अपलोड करते हैं या फिर वहां पे होती हैं, तो मैं उनको जरूर वॉच करती हूँ। मुझे मतलब बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी और काफी दिन तक मुझे मतलब मैं शॉक में रही थी कि हुआ क्या है। अब बैक टू बैक हम सुशांत सिंह राजपूत के 3 सॉन्ग आपको सुनवाएंगे, एक है एक वारिया, फिर आप सुनेंगे खैरियत, और उसके बाद आप एक और भी ट्रैक है उनका लंबी सी जुदाइयां, तो बैक टू बैक ये सॉन्ग्स आप इंजॉय करेंगे। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में, इंतजार कीजिए मेरा, करेंगे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कितना मैंने तारीफें की हुई है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपको याद है कि मुझे प्रोग्राम करते हुए 3 साल हो गए, थैंक यू, और ये पिक्चर्स बनाने के लिए बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती है, सो ये मेरी पिक्चर्स के साथ जो है बहुत सारी पिक्चर्स बना के भेज देते हैं, थैंक यू सो मच मुर्तजा, मैं इसको जरूर जो है रखूंगी अपने पास सेव करके। सो आगे आपने कहा है कि हर धड़कन में एक राज होता है, हर बात को बताने का एक अंदाज होता है, जब तक ठोकर ना लगे बेवफाई की, हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है। ठीक है जी, चलें बहुत अच्छी बात है, इस पर हम तबसरा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। गरीबों के मैसेज भी देख लिया कीजिए, कौन है गरीब, वालेकुम सलाम, मैं खुद गरीब हूँ भाई। सो आपने कहा कि लास्ट वीक जो यादगार जो काम था वो है मैच, और एक ओवर में 2 विकेट्स ली थी और वही यादगार है। साजिद का मैसेज है, साजिद आपका हो गया, और क्या मतलब मैं खुद गरीब भाई, आप इतना क्यों ऐसे इस तरह की बातें ना किया करें, इमोशनल करके भी मैं इमोशनल होने वाली नहीं हूँ। अच्छा यहाँ जो है शाहिद साहब का मैसेज है और कहते हैं ये कि इस्लाम आदाब सामिया जी, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहती हैं तो मेरी पोस्ट ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा करें, नहीं हम नहीं कामयाब होने चाहते, अब बस बहुत हो गया शाहिद साहब, आपकी पोस्ट पढ़ पढ़ के अब बस बहुत हो गया। सो अरुण शेट्टी है, कहते हैं गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी हैं आप, अगर बोलेंगी तो इंतजार करना ही पड़ेगा और जो है कोई भी बुरा नहीं मानेगा, चलिए जी अच्छी बात है, तो इंतजार करते रहिए, कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात फिर इसी प्रोग्राम में ड्राइव थ्रू में। अच्छा मैच की क्या सूरत हाल है, मैच की सूरत हाल जाते जाते बता देती हूँ भाई, कराची ने जो है अब तक 36 रन बना लिए हैं और चौथे ओवर की पहली बॉल चल हो चुकी है, सही मैं कह रही हूँ ना, हाँ मेरा ख्याल है मैं सही कह रही हूँ, यही हुआ है, जाते जाते यही हालात हो जाते हैं, तो मैसेज आई थिंक सबके हो गए हैं या जिनके रह गए तो उनसे माजरत के साथ, तो अब जो है हम आपसे लेते हैं इजाजत इंशाल्लाह ताला आपसे। हाँ शेख नूर का भी मैसेज था, शेख नूर थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और आपने कहा हुआ क्या था मैं रीड कर ही लेती हूँ अगर मुझे नजर आ जाता है, वरना कहीं वो जो है कहें कि भाई मेरा मैसेज यूँ नहीं पड़ा था। हाँ उन्होंने कहा जरा पास आओ तो गले लगाना है, शायद इस गाने वाले को पता नहीं कि कोरोना आ गया है। देखें तो जरा, चलें जी अब 7:21 हो चुका है, मेरे जाने का टाइम आ चुका है और मैं लेती हूँ इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, अपना बेहद ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, और जाते जाते आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ उड़ारियां, बल बस दी नहीं रही, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।